Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल ट्विंकी मैड क्रिएशंस। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा सेकेंड पार्ट विलेज का। तो दोस्तों देखते हैं इस व्लॉग में क्या होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि इसमें है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि इसमें सब कुछ जो रियलिटी में हमने किया, जितना भी इंजॉय हमने किया, वो सब इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। हमने तो सारी उम्र गवा दी, हमने तो फिर भी एक नॉर्मल रख दिया, लेकिन बाबा ने सुबह माइस्ट है नई पीढ़ी या फिर समझ रिमोट सुन काम करे। अब मेरे रिमोट करी नहीं, कपड़ा फैला ना चोबर फैला तो सरकार साहब फोन आप को क्या कोई आ जाए तू यार ट्राई करेगी बाप है तू ही फसा रहा है बोले मैं बोलाऊंगी समझ के आपकी दूध पड़ी हो जाइयो। तो उसी अंदाज में और माँ पार्वती अपने मैया से चिट कर लिए थे कि अरे मैया शादी कराऊं तो भोलेनाथ से कराऊं। और बोलते किस तरह माँ पार्वती कहती है कि क्यों कराऊं, विशेषता काई काई बता रही है शंकर भगवान की कहीं। अरे सासरा में मेरे को ले धोखे नाए पाऊं गरीब मैया, अरे सासरा में मेरे को ले धोखे नाए पाऊं, अरे मेरी मम्मी मौज करूंगी बाहर मेरा रसा से रामन भले को ले धोखे नाए पाऊं, मेरी मम्मी मौज करूंगी भाई सासरा में मेरे को ले धोखे नाए पाऊं। सब को सो
स्वागत करिए रानी यदारी का जंगल में तंदीर करे थे आज का प्रोग्राम है मेरे साथ थारू जी वैदी कहने थे जय सिंह जी, पूर्व प्रधान जी,
किशोर जी, गिराज लाल जी, पायलट जी, काराराम जी, भीम जी, गुप्तान जी, यानी सारे समस्त मंचा सिंह सबको मेरा नई साल का हाथ जोड़ के प्रणाम। पति माता को, मेरी माता बहनों को, बड़े बुजुर्गों को, सबको मेरा प्रणाम। साथियों, आप सबकी कृपा दृष्टि से, बस्ती माँ की कृपा से, ये सारा हर साल नई नए वर्ष के इसमें मिलन का पूरा प्रोग्राम हर साल किया जाता है। ये सब आप ही की कृपा है, बस्ती माँ की कृपा है, युवा साथियों की, बड़े लोग हमारे साथ जाए साहब, इन सबकी कृपा से ही प्रोग्राम किया जाता है। मैं सबके आगे चरणों में शिष्य हूँ, बच्चा हूँ, अगर कुछ सब बोलने में गलती क्षमा करना। करान साहब को बार बार इसलिए याद किया जाता है, मेरी तमन्ना है कि गए इलेक्शन में सात तरह से नाराज थे, क्योंकि मैं इनसे मतलब बोल नहीं दे पाया था, सिर्फ बात तो ये है। तो करान साहब उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बाकी आने वाले इसमें समय में तन मन धन से मेरी बस्ती की ओर से बराबर कंधे से कंधा लगा के साथ रहूंगा, ये मेरी बस्ती की ओर से कह रहा हूँ। क्योंकि आप जब भी मैं छोटा सा ही प्रोग्राम करता हूँ और बस्ती वाले भी चुवाई से बोलते हैं साहब को बुलाओ, साहब बुलाओ, और साहब एक पूरा फोन करते ही थोड़ी बजा जाते हैं। और साहब से बस्ती वालों ने एक निवेदन किया था कि ये रोड हालांकि सीमित तो करवा दी गई है, मगर अभी भी रोड ही पत्रों में चलना पड़ रहा है, तो दुखी है। एक चुवाइस दी और बहुत बहुत बधाई हो हमारे बस्ती के बीच स्कूल को उन्नत करवा दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है घना साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी बस्ती की ओर से भी। तो अब मैं एक आग्रह करूंगा कि साहब जल्दी से जल्दी जो रोड से दुखी हैं, इसका कार्य खुद प्रभाव से कार्य चालू करवा दे, हमारे बस्ती वालों की यही मांग है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे समाज में यहाँ एक सामुदायिक भवन नहीं है, उसके लिए भी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और हमारे यहाँ माता जी के काफी यात्री आते हैं, तो पानी की थोड़ा सा मांग है, हमारी रिक्वेस्ट है, हम तो मांग ही सकते हैं, देने वाले फिर आप हैं, तो इसलिए मेरी आपसे मेरी बस्ती की ओर से मेरी आपसे निवेदन रहेगा। और यहाँ समय निकाल कर आए इसके लिए बहुत बहुत आभार हूँ, और साहब याद करते रहिए, सभी को आने की जरूरत कृपा करें, मैं तो आपका सेवन की सेवा करता हूँ समाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। खुली की लाइनें जो कुमार विश्वास की मैं दोहराता हूँ, वो भी कहती सर, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बादल समझता है। हम तुमसे दूर कैसे हैं, तुम हमसे दूर कैसे हो, हमारा दिल समझता है या आपका दिल समझता है, हमारा दिल समझता है या आपका दिल समझता है। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ हमारे ग्राम पंचायत दिल्ली के सरपंच साहब, भामा साहब, समाज सेवी भाई विष्णु जी से हमें संबोधित करें, माननीय विष्णु जी। आज माँ काली के मंदिर पर नववर्ष एवं पोष बड़ा स्नेह मिलन समारोह में मंचों से बांदीपुर के यशस्वी विधायक आदरणीय श्रीमान जी आर कटाना जी, ब्लॉक कांग्रेस सॉरी जिला कांग्रेस कमेटी दौसा के महासचिव बड़े भाई आदरणीय शेषव साहब जी, हरे टिंकल डॉक्टर टिंकल, पहले तो सभी मेरे समस्त भाई बहनों व यहाँ पे ग्रामवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, जो यहाँ पर उपस्थित होकर हमारे इस महोत्सव को बहुत ही और रोमांचक बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल रिप्रेजेंटिंग हियर आवर खटाना सर, महासचिव सर,
श्री सरदार जी, एडवोकेट कृष्णा भारती जी. वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे केम हियर टू मेक दिस इवेंट मोर स्पेशल फॉर अस एंड वी होप दैट दे विल कम अगेन टू मेक मोर स्पेशल टू मेक आवर इवेंट मोर स्पेशल एंड वी आर वेरी थैंकफुल दैट दे आर आवर पॉलिटिशियंस एंड दे मेक मोर प्रोग्रेस इन आवर सोसाइटी एंड आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल यंगस्टर्स दैट एजुकेशन इज मस्ट इन आवर सोसाइटी एंड वी हैव टू डू दैट. We are free to do each and everything for your education. If you want to make progress in your life, then you have to tell your parents to tell them that we want to be educated in our life and make progress in our life. Then you have to go outside for your education, for your welfare, future. So I have requested to you all youngsters that please go ahead and make your better future. Thank you for everyone. Thank you so much. बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा. बेटी ने बहुत अच्छा शब्दों में कहा कि शिक्षा के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं और शिक्षा की जरा कभी महत्व बताया. सही कहा साहब, बेटियां क्या होती है? विधाता बीज से पाने की खातिर खूब रोता है.